प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का आज की इस चर्च सर्विस में हम स्वागत करते हैं। हम आनंदित है प्यारों, आज आप हमसे जुड़े हो और हमारा ये विश्वास है प्यारों कि आज की इस चर्च सर्विस, आज परमेश्वर की हुजूरी में जाना हम सभी के लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। आए परमेश्वर के चरणों में जाए, हम दुआ करें प्यारों, आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आए कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हम आपके बेटे बेटी आपके चरणों में आए, हमारे हर एक पापों के लिए आए क्षमा मांगे। कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमें माफ़ी दीजिए, हमने जान अनजाने में कोई भी पाप किए अपराध किए आप हमें क्षमा करिए, हमारे हर एक पापों के लिए हमें माफ़ी दीजिए प्रभु। हमारा कोई भी पाप आपकी आशीषों को न रोके परमेश्वर। कहिए प्रभु से कि प्रभु आप मुझे क्षमा करिए। ऐ प्यारो परमेश्वर से कहेगी परमेश्वर आज आपके नाम को ऊंचा उठाने का अनुग्रह आप मुझे दीजिए, सब कुछ भूल कर आज आपकी आराधना में कर पाऊं प्रभु, आज आपके नाम को मैं महिमा दे पाऊं। ऐ प्यारो प्रभु से कहेगी परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए मेरे मुंह को खोल दीजिए प्रभु, मेरे हृदय को आप तैयार करिए, मेरे मन को आप तैयार करें। ऐ प्यारो सब कुछ बाजू पर रख दे, जो डिसिप्लिन में शिस्त में हम चर्च में आते थे, आइए वही डिसिप्लिन में परमेश्वर के चरणों में जाए। अगर आप कोई काम कर रहे हो प्लीज़ वो बाजू पर रख दीजिए, आइए वही डिसिप्लिन में शिस्त के साथ सम्मान के साथ परमेश्वर के चरणों में जाए। एक अनुशासन हमारे जीवन में हो प्यारो परमेश्वर की आराधना के लिए, भले ही हम घर से क्यों ना आराधना कर रहे हो। आए प्रभु से कहे कि परमेश्वर जैसे मैं चर्च में तेरी आराधना कर रहा था वही अनुशासन डिसिप्लिन के साथ शिस्त के साथ मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ प्रभु। आए प्रार्थना करें परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज फिर से आपने अनुग्रह दिया कि हम आपके चरणों में आए आपकी आराधना करें प्रभु। आज के इस विशेष दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम पिछले सप्ताह के लिए धन्यवादित है, पूरा सप्ताह आप हमारे साथ रहे, हमारे हर एक कामों में हमारी सहायता की, हम सुरक्षित है आपकी बदौलत, आपके कारण, आपकी दया के कारण परमेश्वर प्रभु। पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला और संभाल कर प्रभु आज फिर एक दिन दिया कि हम आपकी आराधना में एक साथ जुड़ पाए प्रभु। हम इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता, हमारी विनती है प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में, हमारा इकट्ठा होना आशीष का कारण बनाए परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे घरों में उतर आए, आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में उतर आए परमेश्वर। हम हमारे घरों में आज आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपकी सामर्थ को बहता हुआ छूता हुआ देख पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपने हमें वचन दिया है जहाँ दो या तीन भी आपके नाम से इकट्ठे मिलेंगे उनके बीच आपकी उपस्थिति निश्चय ही होगी। जहाँ कहीं भी है प्यारे परमेश्वर, हम हमारी विनती है आपकी उपस्थिति से हमारे जीवनों घरों परिवारों को भर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति में छुटकारा है, आपकी हुजूरी में छुटकारा है परमेश्वर। जहाँ उजियाला है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता प्रभु, वैसे ही आज जब आपकी उपस्थिति हमारे घरों में है, जीवनों में है, परिवारों में है, हर एक बंधनों को टूटता हुआ हम देखे प्रभु, प्रार्थनाओं के जवाबों को मिलता हुआ हम देखे, शैतान के घड़ों को टूटता हुआ देखे, शैतान की योजनाओं को निष्फल होता हुआ हम देखे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बनने वाला है, छुटकारे का दिन बनने वाला है। आज कई लोग चंगे होने वाले हैं, आज कई लोगों की जरूरतों को पूरी की जाने वाली है, आज कई लोगों के जीवन में दूत परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले हैं ताकि उनके रुके हुए काम आगे बढ़ पाए, शैतान के काम और उसकी योजनाओं को आज हम खत्म होते हुए निष्फल होते हुए देखने वाले हैं और परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरी होते हुए देखने वाले हैं। ओ प्यारे पिता धन्यवाद, हमारी प्रार्थना इस समय को आशीषित करे, आशीषित करे प्रभु, हमारे मुंह को खोल दीजिए, हम सभी को गाने के द्वारा बजाने के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा देने का अनुग्रह दीजिए। हमारी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करें प्यारे पिता, आमीन। प्यारे प्रभु के चरणों में जाते हुए हम ये गाना गाना चाहते, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन यीशु तुम सा कोई नहीं। अपनी आँखों को बंद करें
पूरे हृदय से कहे कि हाँ प्रभु मुझे यकीन है कि तुम सा कोई नहीं है। थॉमस ने प्यारो बहुत लेट ही यकीन पाया जब उसने प्रभु यीशु के छेद में जो हाथों में छेद थे उसमें उंगली डाली, तब उसने ये यकीन किया कि यीशु तो मेरा प्रभु है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। प्यारों में से भी कई लोग ऐसे हैं जो बार बार डाउट करते हैं, शंका को लिए हुए घूमते हैं, लेकिन आज कहे प्रभु से कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं तुझे जिंदा परमेश्वर मान लो, तुझे मेरा गुरु मेरा स्वामी करके कबूल कर लो, तुझे मेरा उद्धारकर्ता करके मान लो प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही एकमात्र खुदा है। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु थॉमस जैसा नहीं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो सचमुच तुझ पर भरोसा रखे, अनुभव किए बगैर भी। अनुभव करने के बाद तो प्यारो सब कोई कहते हैं कि हाँ यीशु तू सच्चा खुदा है, लेकिन कई बात तुम्हें प्रभु हो सकता है आपको अनुभव ना भी करवाए, लेकिन आइए प्रभु से कहे प्रभु मैं फिर भी विश्वास करता हूँ तू सच्चा खुदा है। आमीन। कहीं नहीं।
सामी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंज़िल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, हालेलुया हालेलुया गाय ऊंची आवाज में, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यारो क्या अंधेरे जैसी परिस्थिति में हो, आपको लगता है चारों ओर अंधेरा है, अंधेरे ने आपको घेर लिया है, यीशु सच्ची रोशनी है प्यारो, वो जीवन का उजियाला है, और वो जब जीवन में आता है प्यारो सब अंधेरा दूर चला जाता है। हालेलुया, आपके जीवन में चाहे बीमारी रूपी अंधेरा हो, कर्ज रूपी अंधेरा हो, चाहे पारिवारिक प्रश्नों रूपी अंधेरा हो, कोई भी अंधेरा क्यों ना हो, आए हाथों को उठाए, विश्वास करे, यीशु से कहे, यीशु मैं ये यकीन करता हूँ तू वो प्रभु है जिसको मेरे जीवन में से अंधेरे को दूर करने का अधिकार है, क्योंकि तू जीवन की रोशनी है। हालेलुया, आए फिर से गाए, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, यीशु अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, गाय अंधेरों में तो रोशनी है, अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंज़िल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, एक और बात गाए, तो अंधेरों में, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंज़िल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, यीशु के जैसा प्यारो कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर है प्यारो, और वो प्रभु वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आई प्यारो ये गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाए,
वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर भी पीछे नहीं हटने वाला खुदा, वो परमेश्वर है प्यारो, जो हर एक वायदों को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। आमेन प्यारो, आपको और मुझे विश्वास करना है प्यारो, प्रभु अपने समय में अपने किए हुए वायदों को पूरा करता है। कभी कभार हमें लगता है कि प्रभु अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु अपने समय में अपने किए हुए वायदों को पूरा करता है। आमेन। आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए। पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछा खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसकी मृत्यु पर उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके कर्म से बने हैं जमीन आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसके कर्म से, उसके कर्म से बने हैं जमीन आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शौहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहां। उसके जलाल और शौहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहां। उसकी शौहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसकी शौहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसकी मृत्यु पर उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत।
यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। प्यारो, सबसे कठिन अगर एक जो वादा था, जो परमेश्वर के चेले भी ये मान बैठे कि ये वादा प्रभु यीशु ने पूरा नहीं किया, वो वायदा था कि मैं मृत्यु से जी उठूंगा। प्रभु यीशु का ये वायदा था कि मैं तीसरे दिन मृत्यु से जी उठूंगा, और परमेश्वर के चेले भी ये वायदों को मान नहीं पाए कि ये संभव ही नहीं, जो मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता। और इसीलिए सब चेलों ने अपने अपने काम और रोजगार जो थे वो चालू कर दिए। उनका मेन व्यवसाय था मछलियों का, उन्होंने मछली पकड़ना शुरू कर दिया ये मानकर कि अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन प्यारो, ये सबसे बड़ा वायदा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो करके यीशु ने पूरा किया, वो मृत्यु से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को मैं और आप आराधना दे रहे प्यारो, वो मृत्युंजय परमेश्वर है, जिसको मृत्यु भी बांध नहीं पाई, मृत्यु भी उसके वायदों को रोक नहीं पाई, वो मृत्यु के बंधन को, कब्र के बंधन को तोड़कर बाहर आए। प्यारो, वो आपके जीवन में भी कोई भी वायदों को जो उसने किया है पूरा करने की ताकत रखता है। जिसको कब्र उसका वायदा पूरा करते हुए रोक नहीं पाई, मृत्यु उसका वायदा पूरा करते हुए रोक नहीं पाई, आपके जीवन में कोई भी उसकी प्रॉमिस ऐसी नहीं है जो वो पूरी ना कर सके। हालेलुया। अगर विश्वास करते हो तो आइए फिर से एक बार गाए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जिसने मृत्यु से जी उठने का वायदा भी पूरा किया, वो मेरे जीवन का हर एक वायदा भी पूरा करेगा। आमीन। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कह कर न पीछे हटने वाला खुदा। गाए, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कह कर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा, ऊंची आवाज में गाइए, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। एक और बार गाइए, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। गाय महिमा हो, महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर, अनोखा शांति का राजा, करुणा का महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, हाल
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हे राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महा राजाओं का सामर्थ में सबसे एक और बार भाई राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महा हो यीशु की महिमा महिमा 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 गाय ऊंची आवाज में महिमा हो महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया ताली बजाकर प्रभु महिमा देखो गाए हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की बोलो महिमा महिमा हो यीशु की महिमा ऊंची आवाज में मिलकर 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 महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा 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 हो यीशु की हे वायदों को पूरा करने वाला खुदा पीछे हटने वाला खुदा वायदों को पूरा करने वाला खुदा कहकर न पीछे हटने वाला खुदा उसकी रहमत के गाओ सारे की मृत्यु पर पाई है जीता उसकी उसकी रहमत के गाओ सारे की उसने मृत्यु पर पाई यीशु मेरा खुदा यीशु मेरा जिंदा खुदा कुछ आवाज में कर गाए यीशु मेरा जिंदा खुदा एक और बार यीशु यीशु मेरा जिंदा खुदा यीशु मेरा जिंदा खुदा यीशु मेरा जिंदा खुदा यीशु मेरा जिंदा खुदा हालेलुया अपनी आंखों को बंद करे ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद दे कहे प्रभु से यीशु तू मेरा जिंदा खुदा है जिसने हर एक वायदों को पूरा किया है और आगे भी करता रहेगा जिसने मृत्यु से जी उठने के वायदों को भी पूरा किया वो मेरे जीवन के हर एक वायदों को पूरा करेगा वो विश्वास योग्य बना रहेगा वो कभी भी अपने वायदों को नहीं तोड़ेगा अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा अपनी विश्वास योग्यता को कभी भी नहीं तोड़ेगा यीशु मेरा जिंदा खुदा यीशु मेरा जिंदा खुदा यीशु मेरा जिंदा खुदा हालेलुया प्यारो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो हर परिस्थिति से राह बनाना जानता है हालेलुया एक नया गीत परमेश्वर को महिमा देते हुए गाए गाने के शब्द है तू यहाँ चल और फिर रहा तेरी स्तुति करो तेरी स्तुति करो आइए वो प्रभु जो हमारे बीच में है प्यारो उसे धन्यवाद देते हुए गाए गाने के शब्द है तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता और अंधकार हटाता ऐसा तू मेरा खुदा है प्यारो आपके जीवन में चाहे कोई भी अंधकार क्यों ना हो विश्वास कीजिए प्यारो और ये गाने को जब गा रहे विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु जहाँ राह नहीं है वहाँ तू राह बनाएगा कई बार हम ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे होगा यारो वो ही तो परमेश्वर का कमाल है जहाँ हमें नहीं लगता कि ये संभव है जहाँ हमें राह नहीं दिखाई देती वहीं पर प्रभु राह को बनाता है वहीं पर वो चमत्कार करता है यर्दन नदी में कोई राह नहीं थी लाल समुद्र में कोई राह नहीं थी प्यारो यीशु ने वहाँ पर भी राह की और वो ही यीशु वो ही परमेश्वर जिंदा खुदा आज भी वैसा ही है आपके कई प्रश्न ऐसे होंगे आपको लगता होगा कि इसमें से उपाय कैसे निकलेगा इसमें से मैं कैसे बाहर आऊंगा प्रभु राह बनाना चाहता है प्यारो प्रभु उपाय करना चाहता है
एक सत्य घटना हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, फिर हम ये गाने में जाएंगे। करो जो आप ये लेडी को देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर हेलेन रोजवेयर, और आपको दिखाई देता है ये जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, विश्वास रखता हूँ, आशा रखता हूँ आपको दिखाई देता होगा। ओके, ये लेडी का नाम है डॉक्टर हेलेन रोजवेयर, और ये कॉन्गो में एज ए मिशनरी डॉक्टर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे, और सब कुछ अपना जीवन पूरी रीति से उन्होंने न्योछावर कर दिया था परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और कॉन्गो जैसे देश में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो बच्चों के बीच जो त्यागे गए हैं, जिनका कोई नहीं है और बहुत ही खराब परिस्थिति में है, वैसे बच्चों के बीच ये सेवकाई कर रहे थे। आप ये पिक्चर्स देख रहे हो, कितनी खराब अवस्था में ये अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो के बच्चे होते थे, जिनको ये लेडी परमेश्वर की दासी हेलेन ये बच्चों को लाती और उनकी उनकी पूरी देखभाल करती थी। पूरी देखभाल करती थी, आपको दिखाई देता होगा हम विश्वास करते हैं, अगर नहीं दिखाई देता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप देख रहे हो कि ऐसे अफ्रीकन बच्चों को अपना पूरा प्यार देती थी, उनकी पूरी केयर करती थी, उनका पूरा सेंटर था जहाँ इनकी संभाल ली जाती थी, इनको पूरी तरह से वो जहाँ कहीं भी उनको त्यागा गया होता वहाँ से उठाकर अपने सेंटर में लाते, उनको सारवार दी जाती, उनकी पूरी नहाने से लेकर उनकी पूरी रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी ये परमेश्वर की दासी निभा रही थी। और ऐसे कई बच्चों की देखभाल वो करते हुए इन बच्चों की जैसे माँ बन गई थी। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये हेलेन प्यारो एक भरोसे के ऊपर जी रही थी कि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। ऐसे अफ्रीकन कंट्री में मेरे देश मेरे लोगों से दूर जहाँ कोई मेरी ओर देखने वाला नहीं है, मेरा प्रभु मेरी ओर देखेगा, इन बच्चों की हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा, वो वायदों को निभाएगा, वो मुझे दी गई हुई प्रॉमिस को निभाएगा। प्यारो एक दिन उनके सेंटर के पास एक छोटे से बेबी को कोई छोड़ कर गया। ये बेबी उनके सेंटर के नजदीक एक फॉरेस्ट था, एक जंगल था, वहां इनको मिला, और बहुत ही खराब कंडीशन में ये बेबी था, छोटा बच्चा था, ठंडी के कारण फॉरेस्ट में उसे छोड़ दिया गया था, उसकी हालत खराब थी, और उसकी जो माँ थी डिलीवरी के टाइम प्यारो वो एक्सपायर हो गई थी, इसका कोई नहीं था। और ऐसे बच्चों को किसी ने बताया कि फॉरेस्ट में जंगल में छोड़ दिया गया, और ये परमेश्वर की दासी इस बच्चे को लेकर आई अपने सेंटर में। और उनकी सबसे बड़ी दो जरूरत थी जो उनके पास वो देश में वहाँ जहाँ उनका सेंटर था वो नहीं थी, एक थी हॉट वाटर बैग, क्योंकि ये बच्चे को ठंड चढ़ रही थी, ये बच्चा पूरी तरह से ठंडी के कारण बेहाल था, उनको एक हॉट वाटर बैग चाहिए थी जिससे वो ये बच्चे को गर्मी दे पाए। उनके पास और कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास और कोई सहूलत नहीं थी, इसलिए इनको ये हॉट वाटर बैग चाहिए थी। और प्यारो ये परमेश्वर की दासी ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु से कहा कि प्रभु तू मेरी जरूरतों की केयर लेने वाला प्रभु है, तूने मुझे प्रॉमिस दी है तू मेरी हर एक जरूरतों को ये बेबी के लिए जो है पूरा करेगा। हालेलुया। प्यारो वही दिन एक पार्सल उनके वहाँ किसी ने भेजा था, वो डिलीवर हुआ, वो पार्सल उनके वहाँ आया, और ये हेलेन ने वो पार्सल खोला और देखा उनके आश्चर्य के बीच जो प्रार्थना में उन्होंने मांगा था वही चीज उसमें से निकली, हॉट वाटर बैग, गर्म पानी की ये बैग। हालेलुया। और आपको पता है प्यारो ये बैग कितने समय पहले भेजी गई थी, ये बैग हेलेन के मम्मी के द्वारा कई महीनों कई दिनों पहले उनके देश में से इस कॉन्गो देश में भेजी गई थी। हालेलुया। प्रभु कई महीनों के दिनों के बाद ये हेलेन को ये हॉट वाटर बैग की जरूरत पड़ेगी, प्रभु वो जानता था, इसलिए कई महीनों पहले दिनों पहले प्रभु ने उनके मम्मी को प्रेरणा की कि ये हॉट वाटर बैग
वो उन्हें भेजे। वही दिन जब उनको जरूरत थी प्यारो, वो बैग, हॉट वाटर बैग उनके पास उनके हाथों में थे। प्यारो परमेश्वर राह बनाने वाला प्रभु है, उसने आपके लिए रास्ता कर दिया है। प्यारो समय आने पर आप खुले द्वार को देखोगे, समय आने पर आप प्रार्थना के जवाब को देखोगे। आप आज सोच रहे हो लेकिन प्रभु ने तो कई दिनों महीनों पहले सोच कर रखा है कि वो आपके लिए कैसे राह बनाएगा। हालेलुया। ये हॉट वाटर बैग उनके हाथों में उन्होंने ली, खुश थे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। उसमें ही उतने में ही एक छोटी लड़की वहां पर दौड़ती हुई आई। वो बच्ची ने बोला कि क्या इसमें से कोई टॉय निकला, कोई खिलौना निकला, खिलौने की गुड़िया निकली इसमें से? उनके आश्चर्य के बीच एक खिलौने की गुड़िया भी, एक टॉय, वो जो खिलौने की गुड़िया होती है वो खिलौना भी उसमें था, क्योंकि वो बेबी ने भी वो छोटे बच्चे के लिए प्रभु से मांगा था, प्रभु ये छोटे बच्चे को खेलने के लिए खिलौने की गुड़िया भी चाहिए। हालेलुया। प्रभु को पता था ये बेबी कुछ महीनों दिनों के बाद क्या मांगने वाली है, और इसलिए प्रभु ने राह बनाई। प्यारो हमारा प्रभु राह बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, कहिए प्रभु से, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे जरूरतों के लिए आपने रास्ता कर दिया है। मैं आज सोच रहा हूँ लेकिन आपने महीनों दिनों सालों पहले, मेरे जन्म से भी पहले मेरी जरूरतों के विषय में सोच कर रखा है, और आप राह बनाओगे। कब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी वो आप जानते हो, और आप अपने समय में वो पूरा करोगे। हालेलुया। प्रभु चमत्कार करता है प्यारो, चमत्कारिक रीति से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आइए आज विश्वास करते हुए गाएं कि प्रभु तू यहाँ है, और मैं विश्वास करता हूँ तू राह बनाएगा, तू चमत्कार करेगा, वादे निभाएगा और अंधकार को भी हटाएगा। आमीन। हालेलुया। तेरी स्तुति करूं
तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चर्चा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं। आई ऊंची आवाज में गाए, तू यहाँ, तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। चंगा कर रहा, विश्वास गाए, स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। तू यहाँ स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुक। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना, कभी ना रुकता, कभी ना, विश्वास गाए। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चर्चा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, विश्वास में चंगाई को स्वीकार, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना। विश्वास एक और बार गाए, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना। तू यहाँ हर दिल को छू रहा,
स्तुति करो तू यहाँ चचक रहा तेरी स्तुति करो तेरी स्तुति करो तू यहाँ जीवन बदल रहा तेरी स्तुति करो तेरी स्तुति करो विश्वास करें प्रभु मैं विश्वास करता हूँ भले ही मैं देख ना पाऊँ भले ही मैं अनुभव ना कर पाऊँ प्रभु लेकिन आप मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हो आप मेरे लिए रास्ता कर रहे हो अंधियारे को हटाने जा रहे हो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रबंध कर दिया है मेरे सोचने मांगने से भी पहले आपने प्रबंध कर दिया है कैसे रास्ता खोलना है कैसे रास्ता निकालना है वो चिंता मेरी नहीं है वो चिंता आप ही की है यीशु और आपने प्रभु एडवांस में पहले से ही प्रबंध करके रखा है मेरे जीवन में आशीषों के द्वार खोलने के लिए मुझे चंगा करने के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए मेरे परिवार को जोड़ने के लिए परिवार में शांति लाने के लिए मेरे बिजनेस को उठाने के लिए हर एक जरूरतों के लिए आपने प्रबंध कर दिया है प्रभु मैं भले ही देख ना पाऊँ प्रभु भले ही मैं देख ना पाऊँ मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रबंध कर दिया है हालेलुया हाथों को उठा कर कहे कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा ना समझू पर कार्य तू कर रहा कभी ना रुकता कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा ना समझू पर कार्य तू कर रहा कभी ना रुकता कर प्रभु के नाम को धन्यवाद दे कहे प्रभु से प्रभु आप कभी भी नहीं सोते कभी भी नहीं सोने वाले से परमेश्वर हो आप कभी भी रुकते नहीं हो कभी भी आराम नहीं करते कभी भी मना नहीं करते प्रभु आप हर वक्त हर समय कार्यरत परमेश्वर हो यूसुफ को जब खड्डे में डाला गया यीशु परमेश्वर कार्यरत है प्यारो दाऊद जब शत्रु से बचकर गुफा में छुप रहा था प्रभु तब भी कार्यरत थे जब कोई संभावना नहीं दिख रही थी राजा बनने की दाऊद की तब भी प्रभु के पास प्रबंध किया हुआ था कि दाऊद को कैसे राजा बनाना है जब यूसुफ को खड्डे में डाला गया तब भी प्रभु के पास प्रबंध योजना की हुई थी कि कैसे यूसुफ को उठाना है भले ही नजर के सामने कुछ नहीं था आज आपकी नजर के सामने भले ही कुछ ना दिखे विश्वास करें उसने प्रबंध किया हुआ है उसने आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है वो सोच कर रखा है परमेश्वर की दासी डॉक्टर हेलन के समान जो उनकी जरूरत थी उसका प्रबंध कई महीनों पहले प्रभु ने कर दिया था प्रभु ने आपके लिए प्रबंध कर दिया है हालेलुया हाथों को उठाए और धन्यवाद देते हुए कहे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मैं देखूँ या ना देखूँ अनुभव करूँ या ना करूँ आपने सब कुछ प्रबंध करके रखा है परमेश्वर आदर मान और सम्मान हम आज आपको देते हैं आपकी दया से प्रभु हम जिंदा हैं और आपकी दया से हमारे जीवन की हर एक चीज हर एक जरूरतों को पूरी की जाएगी क्योंकि आप वायदों के पक्के परमेश्वर हो असंभव को संभव करने वाले राजाओं के राजा हो प्रभु और हम देख पाए या ना देख पाए आपने सब कुछ प्रबंध करके रखा हुआ है प्रभु हम आने वाले दिनों में हमारी जरूरतों को पूरा होते हुए देखेंगे हमारी चंगाई को देखेंगे हमारे चमत्कारों को देखेंगे हमारे जॉब में बढ़ोतरी को नए द्वारों को खुलते हुए देखेंगे बिजनेस में बढ़ोतरी को देखेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं हमेशा जागता रहने वाला परमेश्वर हरे हमेशा कार्य करने वाला परमेश्वर है आदर मान सम्मान ऐसे परमेश्वर को हम सिर झुका कर देते हैं जो हर समय कार्य करता है
कभी नहीं सोता, जो हमारे लिए एडवांस में प्रबंध करता है। आदर मान सम्मान हम आपको देते हुए हमारी धन्यवाद की भेंटों को आपके चरणों में लाते हैं, आप कबूल करिए प्यारे पिता। आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज की सर्विस में। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। प्यारो, आज का जो वचन है वो एक प्रोफेटिक मैसेज है, एक प्रोफेटिक वॉइस है, जो मेरे, आपके और हर एक विश्वासियों के लिए है। पिछले दिनों में जब प्रभु का ये वचन मेरे पास आया, परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे करेक्शन लेकर आया है। परमेश्वर ने मुझे उसके प्रेम में और भी गहराई से स्थापित किया है, और जरूर आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सब के साथ बात करेगा। ज़्यादातर हम बात करते हैं परमेश्वर के प्रेम की, पर प्यारो प्रेम हमेशा दो तरफा होता है, दोनों तरफ से होता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ये हम सब जानते हैं, पर हमने भी परमेश्वर ने को प्रेम किया है, है ना? और कहीं ना कहीं ये संसार की बातें, इस संसार में जहां हम जीते हैं, जहां हम काम करते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं हम खो गए हैं और खो गए थे। पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमेशा परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर जाहिर करता है, हमें फिर से वो स्थापित करना चाहता है उस परमेश्वर के प्रेम में। मैं बात कर रहा था, आज का जो वचन है वो एक प्रोफेटिक मैसेज है, एक प्रोफेटिक वॉइस है। आज के वचन को हम गहराई से समझे उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि थोड़ा एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझें। आज का जो वचन है उसका टाइटल मैंने दिया है गॉड्स फर्स्ट लव, परमेश्वर का प्रथम का प्रेम, पहला सा प्रेम। तो प्रोफेटिक को पहले समझते हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और मैंने लिखा, है ना? प्रोफेटिक को समझिए। प्रोफेटिक इज नॉट ओनली अबाउट प्रोफेसाइंग, यह सिर्फ ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि प्रोफेसाई मैनो गॉड प्रोफेसाई। मैं नहीं कहता हूँ कि यह गलत है, यह गलत नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोफेटिक, यह प्रोफेटिक का एक सिर्फ भाग है। प्रोफेसी इज अ गिफ्ट, यस प्रोफेसी इज अ गिफ्ट, यह एक वरदान है जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए अपने दासों को दिया है। और एक व्यक्ति जिनको एज अ प्रॉफिट बुलाहट दी गई है, अ पर्सन बीइंग अ प्रॉफिट इन अ ऑफिस ऑफ प्रोफेसी, इन अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक व्यक्ति वो प्रॉफिट हो सकता है और उस वो सेवकाई में वो कार्य करता है। प्रोफेटिक इज नॉट ओनली अबाउट प्रोफेसाई प्रोफेसाई, बट इट इज ऑल्सो अबाउट प्रोक्लेमिंग रिपेंटेंस। प्रोफेटिक यह एक घोषणा है पश्चाताप की, यह एक घोषणा है पश्चाताप की। प्रोफेटिक इज ऑल्सो अबाउट प्रिपेयरिंग गॉड्स पीपल फॉर द कमिंग किंगडम, परमेश्वर का जो आने वाला राज्य है उसके विषय में परमेश्वर के लोगों को तैयार करना, यह भी है प्रोफेटिक। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 28 से 36वीं आयत में आप देखोगे तो यहाँ पर यह शास्त्र भाग में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और उस दौरान वो अपने कुछ शिष्यों को लेकर जाते हैं, है ना? 12 शिष्य हैं और 12 शिष्यों में से कुछ शिष्य जो इनर सर्कल है ना, प्रभु का इनर सर्कल है, पतरस यहुन्ना याकूब आप जानते हो ना, तो वो भी वहां पर जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप बदल चुका है। और वहां पर वे लोग एलिया और मूसा को प्रभु के साथ देखते हैं उजले वस्त्रों में, यानी कि आत्मिक स्वरूप में उजले वस्त्रों में देखते हैं। मूसा और एलिया, मूसा वो नियम शास्त्र को व्यवस्था को दर्शाता है और एलिया भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है। वहां पर उस रूपांतर के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए थे और वहां पर ये जो स्पिरिचुअल जो एक घटना वहां पर बनी है, वहां पर
मूसा प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर भी था। तो मूसा वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करते कि व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीय बलिदान के लिए जो जो भी लिखा है वैसे वह क्रूसीय बलिदान होना चाहिए, क्योंकि इस समस्त सृष्टि के उद्धार के लिए, समस्त मानव जात के पापों की माफी के लिए एक मेमना जो बलिदान होने वाला था, एक मसीहा जो पृथ्वी पर आने वाला था और जो बलिदान होने वाला था, उसमें वो व्यवस्था की बातें, व्यवस्था की विधियां पूरी होनी चाहिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उस विधियों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। और एलिया भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है, वह यह वहां पर बात करता है कि जो जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह में के बारे में लिखी गई है, उनके क्रूसीय बलिदान के विषय में लिखी गई है, वो सब पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक ही बार एक जगह पर कहते हैं कि आप तलवार और वो सब साथ में लेकर रखना, और ये एक्चुअली भविष्यवाणी थी कि वो अपराधियों के साथ गिना गया है ना, और वो भविष्यवाणी पूरी हो इसलिए वो बातें बनी। तो मूसा और एलिया वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करते दिखाई देते हैं। मैं क्यों इस एलिया के बारे में अभी बता रहा हूं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपनी सेवकाई शुरू करने वाले थे और इस संसार के ऊपर वो मनुष्य देह धारण कर आए, उसके पहले ठीक 6 महीने पहले ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार में आता है, जखारिया और एलीशिबा जो उनके माता पिता थे। और कैसे ये घटनाएं बनी, लुका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 15-17 आयत में आप देखोगे, 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लुका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 13 आयत, परंतु स्वर्गदूत ने उससे, यानी कि जखारिया जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का पिता था, उससे कहा, हे जखारिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 15 आयत, वह प्रभु के सामने महान होगा। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में ये बातें लिखी है। ऑलरेडी अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जखारिया को स्वर्ग दूत के द्वारा ये बातें प्रकट होती है, ये बातें उनको मिलती है। और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 16 और इसराइलियों में से बहुतरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब देखिए, यह यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के विषय में 16 आयत में लिखा है कि वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, वो अभिषेक में होकर प्रभु के आगे चलेगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। अभी एलिया के विषय में आप सब लोग जानते हो कि वो जब इस पृथ्वी के ऊपर था, एलिया भविष्यवक्ता जब इस पृथ्वी के ऊपर था, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे आश्चर्यकारक कर्म किए, यहाँ तक मुर्दों को जिलाया। एलिया कहे तो बारिश गिरती थी, एलिया ना कहे तो बारिश नहीं गिरती थी। वो चाहे वो प्रार्थना करता था और स्वर्ग से आग उतर आती थी। और यही एलिया के आत्मा और सामर्थ्य में, उस अभिषेक में काम करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा करता जब इस पृथ्वी के ऊपर था और आया, उन्होंने एक भी चमत्कार नहीं किया, वरन उन्होंने आकर ही
मत्थी रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय और दूसरी आयत, उन्होंने आकर ही, देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मत्थी रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय और दूसरी आयत। उन दिनों में यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। वह प्रचार करने लगा क्या? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। और उनका यह पश्चाताप का प्रचार सुनकर यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन के आसपास के हरेक जगह के लोग, यहां तक कि महसूल लेने वाले सिपाही लोग जो रोमन सल्तनत के लिए काम करते थे, सिपाही लोग, फरीसी और सदूकी, और यह एक आम बात नहीं थी कि कोई फरीसी या सदूकी किसी के पास जाकर पश्चाताप करे और पश्चाताप का बपतिस्मा ले, है ना। फरीसी और सदूकियों और भी कई लोग इस यहुन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास आए, उनका प्रचार सुनने के लिए गए और उन्होंने पश्चाताप किया और पश्चाताप का बपतिस्मा भी लिया। यह यहुन्ना बपतिस्मा करने वाला जो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य एलिया के अभिषेक में चल रहा था, उन्होंने घोषणा की, कोई चमत्कार नहीं किया पर उन्होंने घोषणा की, पश्चाताप की, उन्होंने घोषणा की कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने, यहुन्ना बपतिस्मा करने वाले ने, पश्चाताप का बपतिस्मा देकर आने वाले राजा मसीहा और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए उस समय के लोगों को तैयार किया। ये एक रॉयल प्रोटोकॉल है, ये एक राजवी अनुशासन है कि जब राजा आता है तो उसके पहले एक वाणी, एक जाहिर होता है कि राजाओं के राजा महाराजा आ रहे हैं। ऐसा हमने देखा होगा, है ना, कई सीरियलों में, मूवी में। इट इज़ अ रॉयल प्रोटोकॉल कि जब राजा आता है तो उसके पहले उनके आने के विषय में लोगों को आगाह किया जाता है, लोगों को तैयार कर किया जाता है कि वो राजा आ रहा है। और यहुन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यही काम किया। यहुन्ना पहला अध्याय और 19वीं आयत में यहूदियों ने और वहां के जो याजक लोग थे उनको एक जिज्ञासा होती है कि ये जो यहुन्ना बपतिस्मा करने वाला है ये क्या मसीहा है। और वो याजकों और लेवियों को यहुन्ना के पास, यहुन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास भेज देते हैं इंक्वायरी करने के लिए, पूछने के लिए कि तू कौन है, क्या तू मसीहा है, क्या तू एलिया है, क्या तू वह भविष्यवक्ता है। पर यहुन्ना बपतिस्मा करने वाला उनको उत्तर देता है, 23वीं आयत, यहुन्ना पहला अध्याय 23वीं आयत, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं, मैं एक वाणी हूं, आई एम दैट वॉइस, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यहुन्ना कहता है कि मैं तो वह वाणी हूं। और आज का जो मैसेज है वह एक प्रोफेटिक वॉइस है, जैसे यहुन्ना ने कहा कि मैं वह वाणी हूं कि तुम प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये पूरा एक इंट्रोडक्शन था ताकि हम मैसेज को, आज के मैसेज को अच्छी तरह से समझे। आज का जो विषय था उस विषय के ऊपर अब हम आते हैं, गॉड्स फर्स्ट लव, परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का पहला सा प्रेम। एक परमेश्वर का और दूसरा हमारी ओर से परमेश्वर के लिए पहला सा प्रेम। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय निकालिए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और चौथी और पांचवी आयत। आइए हम आंखें बंद करें और परमेश्वर के पास अनुग्रह मांगे कि आज का जो वचन है वो हम सुनने पाए, समझने पाए और हमारे जीवनों में जो परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे जीवन में हो, वो सारी बातें हमारे जीवनों में पूरा हो। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि ये सुनहरा मौका आपने हमें दिया कि प्रभु आज हम आपके वचनों से सीखे समझे और प्रभु तेरा जो वचन हम सबके लिए है, तेरी कलीसिया के लिए है, उसको हम ग्रहण करें। प्रभु हमारे मन और हृदय को तू खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल दे, प्रभु हमारे कान को तू खोल दे, ताकि प्रभु तेरा वचन हम सुनने पाए और ये वचन हमारे हृदयों में बस जाए। और प्रभु जो तेरे प्रथम के प्रेम में तू हमें स्थापित करना चाहता है, तू हमें रिस्टोर करना चाहता है, आज के वचन के द्वारा हम सभी लोग, सुनने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे उस प्रथम के प्रेम में स्थापित हो जाए। हमारी ये प्रार्थना पवित्र आत्मा, हम आपको पुकार कर कहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में सामिल, हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु मेरा हृदय मन आत्मा शरीर प्राण पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं नहीं पर तेरा आत्मा प्रभु आज लोगों के साथ बात करे। प्रभु आज हमारे बीच में आइए, हमारे घरों में आए और हम सबको छूकर तेरे प्रथम के प्रेम में हमें स्थापित करिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 4-5 पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन परमेश्वर का आत्मा द प्रोफेटिक वॉइस हम सब से कहती है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। भूल गए हैं हम उस पहले प्रेम को जो परमेश्वर ने हमने हमसे किया। और जब हमने प्रभु को जाना था, प्रभु को पहचाना था, जब हमने प्रभु को उद्धार करता और प्रभु करके मान लिया था, तब का प्रेम और आज हम कहाँ हैं? किसी ने यीशु को धर्म बना दिया, किसी ने यीशु के नाम से अपना खुद का राज्य खड़ा किया। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, सब अपने अपने मार्ग पर भटक गए हैं, अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने ही कामों में हमने प्रभु यीशु मसीह को जो प्रथम स्थान देना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम उससे अलग हो गए हैं, उससे दूर हो गए हैं। क्या आज भी यीशु मसीह आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर है? प्रश्न करिए अपने आप को कि क्या आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? किसी के लिए या संसार और संसार की बातें, किसी के लिए अपनी जॉब, किसी के लिए अपना बिजनेस, किसी के लिए उनका परिवार और किसी के लिए अपना दोस्त, ये सब चीजों ने परमेश्वर की जगह ले ली है। प्यारो, इस समय के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हम सबको लॉकडाउन हो जाना पड़ा, अपने अपने घरों में रहना पड़ा। जहां कहीं भी ये दुनिया भाग रही थी, जहां कहीं भी लोग भाग रहे थे, सबको परमेश्वर ने एक मौका दिया कि वो फिर से उसके प्रथम के प्रेम में पुनः स्थापित हो जाए, परमेश्वर के उस प्रथम के प्रेम को खोजे और स्थापित हो। द प्रोफेटिक वॉइस प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज कहता है आपसे और मुझसे, वो बात करता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम त्याग दिया है। प्यारो, जिसको भी इस संसार में हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। पश्चाताप करो और यीशु के पास लौट आओ। वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी चिंता करता है और वो चाहता है, वो इतना भला है कि वह परमेश्वर है जो 99 जो सीप जो गेट उनके पास है उनको छोड़कर, एक खोई हुई भेड़ को, 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ने वाला ये परमेश्वर है। और वो चाहता है कि मैं और आप उसके प्रथम के प्रेम में स्थापित हो जाए। यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव।
तूने अपना पहला सा प्रेम त्याग दिया है। अभी ये पहला सा प्रेम त्याग दिया मतलब क्या, हम एक छोटे से ये इलस्ट्रेशन के द्वारा हम समझते हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, हम उस प्रथम के प्रेम में स्थापित हुए। पर समय जाते है ना, ये जगह जो हमने छोड़ दी और ये संसार की अभिलाषाएं, ये संसार की बातें और जो कुछ भी हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है आज, वहाँ पर हम चले गए। देखो, परमेश्वर ने अपने प्रेम को नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने अपना प्रेम कम नहीं किया है, हमने उस परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रथम के प्रेम में स्थापित हो जाए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखो, लेफ्ट वर्सेस लॉस्ट है ना, छोड़ देना और खो देना, उसमें अंतर है। यहां पर हमने छोड़ा है, जगह को छोड़ दिया है, जिस प्रेम में हम स्थापित थे उस जगह को छोड़ा है। ये जगह अभी भी हमारे लिए खाली है, ये जगह चली नहीं गई है, ये प्रेम चला नहीं गया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, कोई नहीं कर सकता। ये हमारी जो फ्री विल है ना, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, उससे, उस इच्छा शक्ति से हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होते हैं, दूर होते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि वह हमें उस प्रथम के प्रेम में स्थापित करे। द प्लेस इज नॉट लॉस्ट, परमेश्वर आज भी राह देखता है। परमेश्वर का प्रति का हमारा जो पहला प्रेम था, परमेश्वर चाहता है कि उस प्रथम के प्रेम में हम स्थापित हो जाए। चर्च, कलीसिया, विश्वासी लोग, कई बार चर्च बिकेम एक्टिविटी ओरिएंटेड, आज सिर्फ एक्टिविटी ही एक्टिविटी है। कई बार चर्च सिर्फ एक सोशल वर्क ओरिएंटेड हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है इन सबसे ऊपर प्यारो परमेश्वर है, इन सबसे ऊपर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर के साथ की इंटीमसी है, एक इंटीमेट रिलेशन, एक आत्मीयता वाला संबंध जहां आप और प्रभु है। उसके बाद सेवकाई आती है, उसके बाद सुसमाचार आता है, सबसे पहले आता है परमेश्वर के साथ का संबंध। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एफेसी 5:21-33 में यही बात प्रभु बात करता है, इंटीमसी के बारे में, रिलेशन के बारे में, वो संबंध की क्लोजनेस के बारे में। यर्मिया 2:2 में इसराइली लोगों को प्रभु वही कहता है कि इसराइल के विषय में प्रभु वहां पर बात करता है यर्मिया 2:2 में कि तूने अपना पहला सा प्रेम त्याग दिया है। और आज प्रभु का आत्मा आपसे और मुझसे, हम सबसे कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो क्या करना है, पश्चाताप करें और उस पहले के प्रेम में लौट आओ। कम बैक टू योर फर्स्ट लव। याद करिए कि हम कहां से गिरे हैं, कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको मैंने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया। परमेश्वर के प्रति उस पहले के प्रेम में स्थापित हो जाइए। प्रभु चाहता है कि हम उस पहले के प्रेम में स्थापित हो जाए। उड़ाव पुत्र की कहानी आपको याद है, जहां पिता अपने पुत्र की राह देखता है, हर रोज वो अपने घर के ऊपर से झांकता है, देखता है काश आज मेरा पुत्र आएगा, है ना। यीशु आज भी आपकी और मेरी राह देख रहे हैं। हम उस परमेश्वर के प्रेम में स्थापित हो जाए, हम उस परमेश्वर के प्रेम में लौट आइए, जैसे वो पुत्र लौट आया अपने पिता के पास। लौट आइए इस संसार की बातों से, लौट आइए इस संसार की अभिलाषाओं से, लौट आइए जो कुछ भी आज आपके जीवन में जो परमेश्वर की जगह ले चुका है, जो परमेश्वर का स्थान ले चुका है, उस पहले से प्रेम के जहां से हम अलग हो चुके हैं, खोजिए और लौट आइए कि कहां मुझे वापिस आना है, किन किन चीजों से मुझे मुंह फेर कर अपने पिता के पास, परमेश्वर के पास लौट आना है। याद करिए जब हमने यीशु मसीह को पहली बार हमारे जीवन में एक्सेप्ट किया था कि हाँ प्रभु तू मेरे जीवन में आ,
तू मेरे जीवन का उद्धार करता है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और तब की वो बातों को याद करिए जब आप पहली बार प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया था, वो बाइबल स्टडी, वो प्रभु के साथ जो आप समय बिताते थे, वो घंटों की प्रार्थनाएं, वो घंटों लगातार हम वर्शिप किया करते थे। पर आज आज क्या परिस्थिति है, कहाँ है आज हम, कहाँ पर खो गए हैं आज हम, क्या खो दिया है हमने। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तूने अपने पहला सा प्रेम त्याग दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पहले के प्रेम में स्थापित हो। कौन सा पहला सा प्रेम, किसने वह प्रेम किया और कहाँ पे और कैसे हमने प्रभु के प्रति जो प्रेम हमने किया था उस प्यार को कहाँ हमने त्याग दिया। देखो परमेश्वर का प्रेम वो सनातन है, वो सदा हमसे प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं हम उस प्रेम से दूर गए हैं, हमने उस प्रेम को त्यागा है। कैसे और कहाँ पर हमने परमेश्वर के प्रेम को त्यागा है। देखो परमेश्वर ने जब कहा अपने विषय में, नहीं एक जो वचन है आपको पता है, जब एक व्यक्ति आता है कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है गुरु, प्रभु कहता है हे इज़राइल सुन, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य से उनको प्रेम करना। परमेश्वर तो प्रेम करता है पर हमसे कहा गया है कि तू भी उनको प्रेम कर, उसको प्रेम करना है ना। और दूसरी आज्ञा कि तू जैसा अपने आप को प्रेम करता है वैसा ही अपने पड़ोसी को तू प्रेम कर। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और 19 से 21वीं आयत, 19 से 21वीं आयत। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने यानी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम की शुरुआत किसने की, परमेश्वर ने, उसने हमसे पहले प्रेम किया। यदि आज कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। और यहां मैं ऐड करूंगा कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपनी बहन से बैर रखे तो वह झूठा है। सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है ना, सबके लिए है वचन। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली यानी कि परमेश्वर से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से, अपने बहन से प्रेम रखे। यहां पर तीन बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। एक, अपने रियल ब्रदर एंड सिस्टर है ना, आपके जो रियल, जो आपके लहू के हैं भाई और बहन हैं, उन उनसे प्रेम करने की बात है। दूसरी, लव योर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में यानी कि कलीसिया में जो आपके भाई और बहन जितने भी लोग कलीसिया में आते हैं उनके प्रति प्रेम रखें। एक अपने अपने ओन ब्रदर एंड सिस्टर उनको, दूसरा कलीसिया के द्वारा जो भाई और बहनें हमें मिली है उनको प्रेम रखें, और तीसरा अन्य विश्वासी लोगों को भी प्रेम करिए। देखो हर एक को परमेश्वर ने बनाया है ना, परमेश्वर की इमेज और प्रतिमा में, अपने स्वरूप और प्रतिमा में परमेश्वर ने सबको बनाया है, यानी कि हर एक व्यक्ति उसी परमेश्वर का सृजन है। तो हर एक उन अन्य विश्वासियों को भी प्रेम करिए। वही प्रेम एक दिन उनकी सहायता करेगा। आपका वो प्रेम जो परमेश्वर ने आपके हृदय में बहाया है वही प्रेम उन लोगों को मसीह की पहचान देगा। काइन और हाबेल के विषय में आप जानते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। काइन भी भेंटों को लेकर आया और हाबेल भी भेंटों को लेकर आया, पर केन की भेंटें स्वीकार नहीं हुई, उनका अर्पण स्वीकार नहीं हुआ और हाबेल का अर्पण स्वीकार हुआ। क्यों ऐसा है ना, कई बार प्रश्न होता है क्यों ऐसा। तो इसका जो जवाब है वो पहला यूहन्ना 10 से 12वीं आयत में उसका जवाब परमेश्वर का वचन देता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं,
जो कोई न्याय के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, यानी कि जो यदि कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर की संतान नहीं है। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, और कैन के समान न बने। देखो वचन क्या कहता है, कैन के समान न बने जो उस दुष्ट शैतान से था, दुष्ट मतलब उस शैतान से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। काइन ने किसको मार डाला, हाबेल को मार डाला था, है ना, अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, क्यों घात किया, इस कारण कि उसके यानी कि कैन के काम बुरे थे और उसके भाई यानी कि हाबिल के काम धर्म के यानी कि भले न्याय के काम थे। कैन के काम बुरे थे ना, परमेश्वर ने पहले कैन को रिजेक्ट किया, उसके बाद उसका अर्पण रिजेक्ट हुआ। कैन अपने भाई को हाबिल को प्रेम करने में निफल रहा, उसने अपने भाई को प्रेम नहीं किया है ना, और उसका अर्पण मान्य नहीं हुआ। दूसरा भी कुछ कारण है पर उसमें डीप में हम नहीं जाते। कैन अपने भाई को वो प्रेम नहीं किया पर उसने घृणा किया, उसके काम गलत थे और वो अपने भाई को प्रेम नहीं कर पाया। पहला यूहन्ना 4 और 7-10 में परमेश्वर के प्रेम के विषय में लिखा गया है। 10वीं आयत ऐसा कहती है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर ने साबित किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के ऊपर भेज करके, और क्यों भेजा, बलिदान होने के लिए, आपके मेरे और समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। रोमन 5:5-8 आयत यदि आप पढ़ोगे, वहां 8 आयत कहती है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। मसीह हमारे लिए मरा कब, जब हम न्यायी थे, जब हम अच्छे थे, नहीं, जब हम पापी थे, तब मसीह आपके और मेरे लिए इस संसार में वो कीमत चुकाने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हमें जो मौत, हमें जो शिक्षा भुगतनी थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। यह है परमेश्वर का प्रेम। क्रूस जो पहले शिक्षा, घृणा और शापित होने की निशानी थी, वही क्रूस जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर बलिदान करते हैं, अपने उस बलिदान के द्वारा वही क्रूस बाद में प्रेम की गवाही बन गया, वही क्रूस परमेश्वर के प्रेम की निशानी बन गया। आज हमारे भारत के अंदर ताजमहल, जिसको 7वीं अजायबी, दुनिया की जो 7 वंडर्स है उसमें से 7वीं अजायबी माना जाता है ताजमहल। कई बार इस संसार में हमारे भारत देश में लोग ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हुए एज अ गिफ्ट भी स्टैचू, वो ताजमहल का स्टैचू देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ताजमहल वो किसी की कब्र है ना, और उसके पीछे की हिस्ट्री आप देखना, बहुत सारी बातें हैं। जबकि क्रूस जो कभी शापित होने की निशानी थी, जो कभी घृणा और शिक्षा का निशानी था, उसी क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे और इस संसार के लिए अपना प्राण दे दिया, तो वही क्रूस प्रेम की गवाही बन गया, वही क्रूस प्रेम की निशानी बन गया। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर जो बलिदान का कार्य पूरा हुआ, यह है सच्चा प्रेम। ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है, क्रूस है सच्चे प्रेम की निशानी। लॉर्ड होली स्पिरिट आज आपसे और हमसे, हम सब से कहता है, यदि ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई मूरत है ना, कई बार हमने देखा है कि मसीही लोग प्रभु यीशु को स्टैचू होता है जो यीशु की तरह बना हुआ होता है, प्रभु यीशु, मदर मेरी, माँ मरियम या यूसुफ या ऐसे संतों की है ना स्टैचूज अपने घर में रखते हैं, और कई बार कई लोग उसकी पूजा करते हैं जो हालांकि शास्त्र के खिलाफ है।
परमेश्वर का वचन आज कहता है, ऐसी हर एक मूरतें, यदि मैं कलिशिया के लोगों को कहता हूँ, विश्वासी मसीही लोगों को कहता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं मसीही लोगों को कहता हूँ, ऐसी कोई भी मूरत यदि आपके घर में है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई फायदा नहीं है, निकाल दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ जब लोगों से बात करता हूँ कि कौन सा ऐसा चित्रकार या कौन सा ऐसा शिल्पकार पैदा हुआ इस संसार के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे का एक बूंद, एक छोटा सा भाग दूर के बताए, उसको चित्र मान कर सके, पॉसिबल नहीं है प्यारों। जो परमेश्वर जो जहां हम देख ना पाए, ऐसे प्रकाश में जो रहता है, कौन है जो उसके चेहरे को नहीं कंडार पाएगा, कौन है जो उसके चेहरे को बना पाएगा? ऐसा कोई चित्रकार नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के चित्र को बना सके। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या चीज, कोई भी चीज जिसको आपने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है, वो सब उसी मूरत के समान है, और परमेश्वर का आत्मा कहता है निकाल फेंकिए, अपने जीवन से उनको दूर करिए, त्याग दीजिए और लौट आइए उस परमेश्वर के प्रेम में, लौट आइए। जब आप लौट आओगे, उन सब चीजों को त्याग कर जब आप प्रभु के पास आओगे, द लॉर्ड होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा कहता है, द हैंड ऑफ गॉड विल बी वर्किंग इन योर लाइफ, द फिंगर ऑफ गॉड विल बी वर्किंग इन योर लाइफ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जॉब, आपके क्षेत्र में, जहां कहीं भी, योर फाइनेंशियल, आपका सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र या कोई भी चीज, सभी जगह पर आप परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को काम करते हुए देखोगे। और इसके लिए शुरुआत कहां से होती है? पश्चाताप से। याद करिए, यूहन्ना बपतिस्मा जब प्रकट होता है, वो कहता है पश्चाताप करो। तो क्या है सच्चा पश्चाताप? हम उदाहरण के द्वारा देखना चाहते हैं। आप जक्खै के बारे में जानते होंगे, है ना? जक्खै जो एक मुख्य महसूल उगराने वाला था, महसूल जो लोग उस समय पे इकट्ठा करते थे, उसका अगवा, मुख्य महसूल को लेने वाला व्यक्ति जक्खै, लुका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में इसकी बात की गई है। और उसकी समय बचाने के लिए मैं सीधा 8वीं आयत पढ़ता हूँ, लुका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 8वीं आयत। जक्खै ने खड़े होकर प्रभु से कहा, आपको पता है ये पूरी घटना है ना, कि जब यरीखो नगर में प्रभु प्रवेश करते हैं, जक्खै को भी इच्छा होती है कि वो प्रभु को देखे, और वो प्रभु को देखने के लिए वो गुल्लर झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर उनको कहते हैं कि जक्खै, आज मैं तेरे घर आने वाला हूँ। और जक्खै जल्दी से नीचे उतर आकर प्रभु को अपने घर में वेलकम करता है, उसको आवकार करता है। और जब यहाँ पर अभी घर में, जक्खै के घर में खाना हो रहा है, सब लोग बैठे हैं और बातें हो रही है, आनंद हो रहा है, वहां पर कोई आकर कहता है कि एक पापी के घर ये गुरु, ये रापी आया है। और ये सब बातें सुनकर जक्खै वहां खड़े होकर कहता है, उसने कहा, 8वीं आयत, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, यानी कि मैं लौटा दूंगा, 4 गुना में लौटाऊंगा। प्यारो, ये आम बात नहीं है ना, अपने संपत्ति का आधा भाग वो कहता है कि मैं दरिद्रियों को देता हूं। वहां पर उनको पता था कि मैंने लोगों का अन्याय से लिया है, और वो पश्चाताप करता है। प्यारो, यहां पर देखे, क्या उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर? नहीं प्रार्थना की। उसने क्या किया? कार्य किया पश्चाताप का। जैसे विश्वास वो सिर्फ बातें नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, हाँ मैं प्रभु पर बहुत विश्वास करती हूं, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये कार्य है। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, जब लिखा गया उत्पत्ति 22वें अध्याय में कि अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया, अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया, वो विश्वास क्या दर्शाता है? जब अब्राहम को प्रभु ने कहा कि तू यहां से निकल आ, जो और जो देश में तुझे बताता हूं, वचन का देश, वहां पर तुझे जाना है,
वो आवाज को सुनकर, वो प्रभु के बातों को सुनकर अब्राहम वहां से निकल पड़ता है। उनका वो निकलना, उनका वो कार्य उसके विश्वास को दर्शाता है। जैसे विश्वास वो सिर्फ बातें नहीं है पर कार्य है, वैसे ही पश्चाताप वो सिर्फ बातें नहीं है वो कार्य है। जो यहां पर जक्कई ने कोई दुआ नहीं की कि प्रभु मुझे माफ कर, पर उसने पश्चाताप किया, कार्य दर्शाया। पश्चाताप का कार्य यहां पर दिखता है। उसने खड़े होकर कहा कि प्रभु यदि लोगों का मैंने छीन लिया है, मैं 4 गुना वापिस दूंगा और मेरी संपत्ति का मैं 1/2 भाग दरिद्रियों को देता हूं। प्रभु प्यारो, एक लालची व्यक्ति, एक छीन लेने वाला व्यक्ति कभी किसी को वापस नहीं देता, पर यहां पर उनका हृदय वास्तव में परिवर्तित हुआ। और यही जक्कई को पता था कि वो कहां पर गिरा है। उन्होंने जहां से वो गिरा था कि वो दूसरों का जितना लेना चाहिए उससे बहुत ज्यादा वो लेता था, उस चीज को उसने त्याग दिया और जो लिया था उसको भी उसने त्याग दिया, लौटा दिया, लौटाने का वादा किया। और यह पश्चाताप का कार्य देखकर प्रभु यीशु मसीह 9वीं आयत में कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम की संतान है। जब जक्कई का यह पश्चाताप का कार्य प्रभु ने देखा, रियल रिपेंटेंस जब प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। पत्रस है ना, हम सभी जानते हैं, और ज्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि पत्रस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कॉलिंग में रिस्टोर किया है ना, यूहन्ना 21 में, कि जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु का उसने 3 बार नकार किया था, है ना। परंतु मैं कहूंगा कि उससे भी अधिक प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस को अपने प्रेम में रिस्टोर किया। पत्रस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम में रिस्टोर किया। सारी घटना, सारी कहानी आपको पता है, लुका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की 33वीं आयत में यह बातें हैं। जब पत्रस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए वरन मरने को भी तैयार हूँ, 34वीं आयत में वो कहता है। और वहाँ पर एक्चुअली नहीं, थोड़ी आगे की बातें आप पढ़ोगे तो वो कहता है, सारे चाहे सब लोग तुम्हें छोड़ दे पर मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। वहाँ जाने अनजाने में पत्रस ऐसा कह रहा है कि इन सबसे बढ़कर प्रभु मैं ये करूँगा। उसने पत्रस ने जाने अनजाने में दूसरों को अपने से छोटा या कम आका। और यीशु ने तब उनसे कहा कि हे पत्रस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। और ठीक जो प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ, आप सब लोग जानते हो। पत्रस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, उसने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। एक लड़की कहती है कि मैंने उसको उनके साथ देखा है, पत्रस कहता है मैं उनको नहीं जानता। पुनरुत्थान होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद यह पत्रस मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। और क्योंकि पत्रस ने प्रभु के प्रति जो पहला का प्यार था वो खो दिया था। देखो, यदि आप किसी को प्यार करते हो, है ना, यदि पत्रस प्रभु के उस प्रेम में होता, बना रहता, तो वो प्रभु का इनकार नहीं करता। आपको पता है उद्धार किसी के पास से छीना जाए उसका एक ही, इट इज माय पर्सपेक्टिव, है ना, ये मेरी बात मैं कह रहा हूँ, माय पर्सपेक्टिव, जब तक आप पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करने के बाद आपका उद्धार कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। यहाँ पत्रस प्रभु का इनकार करता है, है ना, पत्रस प्रभु का इनकार करता है कि मैं उसको नहीं जानता। पत्रस की जो बुलाहट थी वो नहीं, उनका नाम एक्चुअली था सिमोन, पर पत्रस को जब प्रभु पहली बार मिले उन्होंने कहा कि तू कैफा कहलाएगा, यानी कि पत्रस। उनका नाम था सिमोन पर उनकी बुलाहट का नाम था पत्रस। और जब लूका 5वें अध्याय में 1:11 में पत्रस प्रभु से मिलता है, वहाँ आपको पता है कि वो पूरी रात मेहनत करता है और कुछ नहीं मिलता है। और जब प्रभु उनके पास आते हैं, दोनों नाव
मछलियों से भर जाती है और पतरस वहां पहली बार अपने पापी होने का एहसास उसने किया था, है ना। लुका 5वें अध्याय की बात करें, उसने पहली बार अपने पापी होने का एहसास किया था और प्रभु के सामने वो गिर जाता है, कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां उनको कहते हैं कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये थी पहला प्रेम की शुरुआत पतरस की, है ना। वहां पर वो संसार की बातों से, वो धन और संपत्ति से, दो नाव जो मछलियों से भरी हुई थी उससे बढ़कर पतरस को प्रभु प्यारा लगा था। प्रभु की बातें प्यारी लगी थी, परमेश्वर के साथ का संबंध उसको प्यारा लगा था और जो बुलाहट प्रभु ने दी थी वो उनको प्यारी लगी थी। इस संसार की बातों के सामने प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह के साथ का संबंध और प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट उस पतरस को वहां प्यारी लगी थी और वो प्रभु के पीछे चल पड़ा। वो सारी बातें वहां छोड़कर, रख छोड़कर वो प्रभु के पीछे चल पड़ा, प्रभु के प्रेम में वो चलने लगा। और यही पतरस बाद में प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। उसने लोगों के सामने उस रात 3 बार इनकार किया था और जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद चेलों को मिलते हैं उस झील के किनारे, वो समोन के पास आते हैं। और देखिए यहाँ प्रभु उनको पतरस नहीं कहता, क्योंकि वो प्रेम में से वो चला गया, वो प्रेम प्रेम में से वो बाहर हो चुका है, वो त्याग दिया है। इसीलिए पतरस को वो पतरस ना कहकर प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 15वीं आयत से 17वीं आयत, 15वीं आयत, हे शमोन। देखो यहाँ पर पतरस नहीं लिखा, पतरस उनकी बुलाहट के साथ जुड़ा हुआ नाम है, उनकी पहचान है। यहाँ कहता है हे शमोन, और यहाँ पतरस को पता चलता है कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जो प्रभु उनको पतरस के नाम से बुलाता था वो कहता है हे शमोन, यूहन्ना के पुत्र। यही शब्द जब पहली बार वहां पर प्रभु के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, वही शब्द हे शमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने और कोई बात नहीं की, सीधा उनसे प्रश्न किया कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। क्यों प्रेम के विषय में बात की प्रभु ने, सोचना चाहिए इनके, और कोई बात नहीं, सीधा क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और किसको? समोन को पूछता है, पतरस को नहीं, समोन को। एक ही इंसान है ना, एक ही इंसान है, पर उनकी दो आइडेंटिटी, एक प्रभु के प्रेम में रहने वाली आइडेंटिटी पतरस, और एक जिसने अभी प्रभु के प्रेम को त्याग दिया है। हे, उसने फिर दूसरी बार उनसे कहा, 16वीं आयत, हे शमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तीसरी बार प्रभु उनसे, तीसरी बार उससे कहा हे शमोन, पतरस नहीं कहता, हे शमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और पतरस ने कहा हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और प्रभु के उस प्रेम में वहां पर पतरस रिस्टोर होता है, पुनर्स्थापित होता है उस प्रभु के प्रेम में। आज प्रभु की वाणी मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों आपसे पूछती है, आपसे कहती है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर जैसे पतरस को उस परमेश्वर ने अपने प्रेम में स्थापित किया, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हर एक सुनने वाले लोग, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में स्थापित हो जाए, फिर से उस प्रेम में रिस्टोर हो जाए। याद करिए कहाँ से गिरे हैं हम, याद करिए कहाँ हमने प्रभु को तुच्छ जाना है, कहाँ हमने प्रभु को जो स्थान देना चाहिए, प्रथम स्थान देना चाहिए, वहाँ उनको साइड में कर हमारे जीवन में, हमारे गोल में, देखो जॉब, परिवार, ये सब आवश्यक है, पर इन सब में जो प्रथम स्थान है वो प्रभु का है। यदि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, वो सारी बातों को संभालने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, है ना। जॉब जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, परिवार जरूरी है, पर इन सब में जब आप प्रभु को प्रथम स्थान पर रखोगे,
वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि इन सब में आप बेस्ट परफॉर्म करो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में पुनर्स्थापित हो जाए। वह परमेश्वर आपको और मुझको उस प्रेम में, प्रथम के प्रेम में स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम वैसा का वैसा है, हमने जो जगह छोड़ दी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रथम के प्रेम में स्थापित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे हैं, प्यारो ये तीन प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करिए और सोचिए और प्रभु को आप उत्तर देना। हमें आपका उत्तर नहीं सुनना है, पर परमेश्वर को आप अपना उत्तर दीजिएगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तू इस संसार और इस संसार की अभिलाषाओं से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इस संसार के संबंधों से, इस संसार के लोगों से ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इस संसार की हर एक चीजों से, अभिलाषाओं से मुझसे ज्यादा प्रेम रखता है? प्यारो, पतरस ने अपने प्राण से, अपने प्राण को प्रिय जाना, यदि उनको एक डर था और वो डर ने उसको प्रभु के प्रेम से अलग कर दिया कि शायद मुझे भी ये लोग मार डालेंगे यदि मैं कहूं कि हाँ मैं उनके साथ था। प्यारो, क्या आप अपने आप से, खुद से ज्यादा प्रभु से, मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु का आत्मा पूछ रहा है, क्या तुम खुद से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? प्यारो, आपका जो जवाब है वही आपका प्रतिफल है आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले समयों के लिए। समय बदल रहा है, आने वाले भविष्य के लिए और आने वाली समय के लिए आपका जो आंसर है इन क्वेश्चनों का, वही आपका प्रतिफल है। उस प्रेम में बने रहिए। मैं तीन एग्जाम्पल देकर ये आज के वचन को पूरा करना चाहता हूँ। तीन प्रेम के गवाह जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया हो, कैसा प्रेम इन लोगों ने, इन तीन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में 13 से 15वीं आयत में मैरी मैग्डलिन, है ना, मरियम मैग्डलिन, उनके विषय में आप पढ़ते हो। यह मैरी मैग्डलिन यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो जाता है, उनके सब को ना देख पाने के लिए, ना देख पाई और कहां प्रभु के सब को रखा गया है वो ढूंढती है और रो रही है। प्यारो, एक जिंदा यीशु सब कुछ दे सकता है। एक जिंदा व्यक्ति, आपके घर के किसी व्यक्ति के बारे में जो सामर्थ्य है, जो घर में सब कुछ करता है, नहीं, घर को चलाता है, जिंदा व्यक्ति के पास आशा होती है, उम्मीद होती है। यहाँ एक मरा हुआ व्यक्ति, उसको ये मरियम ढूंढ रही है और वो कहती है कि मुझे बताओ यीशु मसीह का सब कहाँ रखा है, मैं उसको ले जाऊंगी। ये मरियम को उस यीशु मसीह के शब में वो कितना प्रेम प्यारो है कि मैं उसको ले जाऊंगी, कहाँ उसको रखा है। लुका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 50 से 53वीं आयत उसमें अरिमथाई के यूसुफ के बारे में आप पढ़ते हो। ये यूसुफ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, राजा के रिलेटिव्स में, राजा के परिवार के रिलेटिव्स में वो आता था और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने खुद की कब्र दे देता है, प्रभु यीशु मसीह के दफन के लिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक मरे हुए यीशु मसीह के पीछे ये लोग, उनको कितना प्रेम करते थे। आज हमारे पास, आपके पास और मेरे पास जिंदा मसीह है, जिंदा प्रभु यीशु मसीह है, पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है और हमारा प्रेम कहाँ है? ये लोग मरे हुए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते थे और मरे हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने काम किया, यहाँ तक कि अपनी कब्र, उस समय में जो लोग जितना धनी होते थे वैसे पूरा खेत और उसमें उनकी कब्र होती ही थी, आगे बगीचा और जो कुछ भी बातें वो लोग कर सकते थे उनको अच्छा बनाते थे एक स्मारक के लिए। और यह यूसुफ, अरिमथाई का यूसुफ,
जो एक धनी व्यक्ति था, अपनी कब्र और यहाँ तक कि वो जाकर प्रभु यीशु मसीह का सब मांगता है। आपको उस समय की नहीं, यदि आप रूपरेखा को देखोगे, किसी की हिम्मत ना होती कि वो जाकर वहां सल्तनत के पास यीशु मसीह का सब मांगे, पर इसने हिम्मत की कि प्रभु यीशु मसीह के सब को ले आए और अपनी कब्र में प्रभु यीशु मसीह को दफनाए, और प्रभु यीशु मसीह वो तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। तीसरा व्यक्ति लुका रचित सुसमाचार 7:37-48 में एक पापीनी स्त्री के विषय में बात की गई है। समोन नाम के एक फरोशी के घर प्रभु यीशु मसीह जाता है, क्योंकि उसने बुलाया था और मिजबानी वहां पर थी। प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था और समोन फरोशी के घर, और जब वह पापीनी स्त्री वहां पर आती है, वो प्रभु के चरणों में गिर जाती है और समन अपने मन में सोचता है कि यदि ये सच्चा पर भविष्यवक्ता होता, यह रापी होता, तो उनको पता चल जाता कि यह स्त्री कौन है, क्योंकि वह स्त्री को पापीनी मानता था। और प्रभु यीशु मसीह बाद में समोन को कहते हैं, एक नो एग्जाम एक दृष्टांत कहते हैं कि किसी का 50 और किसी का 500 दो देनदार है, और उनको यदि उनका लेनदार माफ कर दे तो कौन सा देनदार जो लेनदार है, यानी कि जिसने दिया था उनको कौन ज्यादा प्रेम करेगा। तो वो समोन कहता है कि जिसका ज्यादा माफ हुआ है, स्वाभाविक है कि जिसका ज्यादा माफ हुआ है वही उनको ज्यादा प्रेम करेगा। और प्रभु यहाँ पर समोन फरोसी को कहता है कि मैं लुका रचित सुसमाचार उसका मैं ये आयतें पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सामर्थ्य वचन है, ये बहुत सामर्थ्य वचन है। 37 से है ना, मैं समय बचाने के लिए सीधा हम जाते 37। ओके 44 पढ़ते हैं। मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। प्रभु शमोन फरोसी को कहता है तूने मुझे चुम्मा ना दिया, उस समय के रीत रिवाज के हिसाब से, और चुंबन वो प्रेम की निशानी है ना, प्रेम की आवकार करते हुए प्रेम की निशानी है। प्रभु कहता है तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब मैं आया हूं तब से इस स्त्री ने जिसको तू पापी नहीं समझता है, इस स्त्री ने मेरे पांव को चुमना नहीं छोड़ा। तूने यानी कि समोन फरोसी तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इस स्त्री ने जिसको तुम पापी नहीं समझते हो मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। उसको दूसरे शब्दों में कहे तो जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वह बहुत ज्यादा प्रेम करता है। प्यारो, जैसे पत्रस को प्रभु ने अपने प्रेम में रिस्टोर किया, प्रभु आपको और मुझे अपने प्रेम में रिस्टोर करना चाहते हैं। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो खुली बाहें प्रसारे हुए आपको और मुझसे कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी लौट आओ, मेरे प्रेम में लौट आओ। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है, इसका मतलब जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो ज्यादा प्रेम करता है। यहाँ एक चाबी है, की है, यदि आप परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करना चाहते हो, वही परमेश्वर को ज्यादा प्रेम कर सकता है या करता है जिसको, देखो पापी तो हर एक व्यक्ति है ना, यदि परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करे तो कौन खड़ा होगा कि मैं पवित्र हूं, कौन खड़ा रह पाएगा उनके न्याय सिंहासन के सामने, कौन खड़ा रह पाएगा उसकी पवित्रता के सामने। पापी तो हर एक है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है, पर परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों को ढांकता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों के लिए उसने कीमत चुकाई है, हमारे पापों को परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे पाप मेरे पीठ के पीछे डाल दिया है, मैंने तेरे पाप बादलों की तरह बिखेर दिए हैं, यानी कि मैं अब उस प्रेम को मैं अब उस पाप को याद नहीं करता,
परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। पर जिसको एहसास है और अनुभूति है कि मेरे बहुत सारे पाप, मैं एक पापी था, पर वो परमेश्वर ने मुझे माफ किया और मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया, जिसके पाप, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है, जिसका ज़्यादा क्षमा हुआ है वह ज़्यादा प्रेम करता है। प्यारो, आपके पापों को उसने क्षमा किया है, वो हमेशा एहसास रखिए कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, मुझे उसने अपना बेटा और बेटी बनाया है। और यही बातें हमें परमेश्वर के प्रेम में चलने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमारी सहायता करेंगे। यदि उस प्रेम में बने रहना है, प्रभु से कहिए कि प्रभु, आज मैं तेरे पास आया हूँ। आइए आंखें बंद करें, अंतिम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, मेरी यह प्रार्थना है कि प्रभु, जैसे आपने पत्रस को अपने प्रेम में पुनर्स्थापित किया, प्रभु मैं चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत रीति से कहिए कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि प्रभु, जहाँ कहीं से मैं गिरा हूँ, जहाँ कहीं से मैं तुझसे दूर गया हूँ, जिन जिन बातों ने मुझसे आपसे अलग कर दिया है, वो समय जब मैंने आपको जाना था, वो समय जब मैंने पहली बार आपको मेरे जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके मान लिया था, मैं तेरे संग रहता था, मैं तुझसे हर रोज बातें करता था, मैं हर रोज तेरे वचनों को पढ़ता था, मैं हर रोज तेरी आराधना, घंटों तक तेरी आराधना किया करता था। प्रभु, आज जहाँ कहीं पे भी मैं तुझसे दूर गया हूँ, मेरी सहायता कर कि मैं तेरे प्रेम में लौट आऊँ। प्यारो, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है कि लौट आइए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब के ऊपर आप अनुग्रह कीजिए कि हम तेरे प्रेम में पुनर्स्थापित हो जाए। प्रभु, हम कहते हैं कि प्रभु, तू जानता है कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। जैसा प्रेम मेरी मगदलीन ने आपसे किया, जैसा प्रेम अरिमथाई के उस यूसुफ ने आपसे किया, मरा हुआ यीशु क्या दे सकता था, पर उसने उनसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह से। उस पापी स्त्री ने अपने प्रेम को दर्शाया, प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे प्रेम में स्थापित हो जाए और तेरे प्रेम में बने रहे। पवित्र आत्मा, हम सब की अगुवाई कर आने वाले समयों के लिए और प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार कर कि हम पश्चाताप करके, जहाँ कहीं भी हम तुझसे दूर गए थे, प्रभु आज हम पश्चाताप करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, हमारा स्वीकार कर। आज फिर से रीडेडिकेट करिए प्यारो अपने जीवन को, कहिए प्रभु से कि प्रभु, आज फिर एक बार मैं कहता हूँ कि प्रभु, मैं तेरे नाम ऊपर, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मैं तुझे मान लेता हूँ और प्रभु, मैं तेरे प्रेम को मेरे जीवन में स्वीकार करता हूँ और प्रभु, इन रिटर्न मैं तुझसे प्रेम करने के लिए अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। जैसा प्रेम तूने मुझसे किया है प्रभु, वैसा ही प्रेम तुझको करने के लिए मेरी और हम सब की सहायता करना। प्रभु, हमारी प्रार्थना को आपने सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन अंतिम दिनों में और भी तेरी वचन की गहराइयों में हमें ले चल। प्रभु, तेरा वचन रोमन की पत्री 8वीं अध्याय में कहता है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम सब उसके पुत्र मसीह की समानता में बने, प्रतिमा में बन जाए। हाँ प्रभु, तेरे जैसा हम सबको बनाए। हमारी यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से है, इसको सुने और ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारो प्रभु यीशु ने जितने लोग उनके पास उनकी जरूरतों को लेकर आए तो पूछा, तू क्या चाहता, मैं तेरे लिए क्या करूं। आपकी अगर जरूरत है कि आपको अच्छी नौकरी मिले तो अभी आंखें बंद करके आप प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे नौकरी की जरूरत है, नौकरी के लिए आप द्वारों को खोल दे। अगर आप बीमार है तो आपकी जो तकलीफ है, बीमारी है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। आप प्रभु यीशु से कहिए कि वो
समझो कि आपके घुटनों में कोई तकलीफ तो घुटनों के लिए प्रार्थना करे, आपके हृदय में हार्ट में कोई तकलीफ है तो आप हार्ट के लिए प्रार्थना करें। आपकी जरूरत एक हो या दो हो या तीन हो, कृपया आप खुद अभी आपके आपको हम समय देते, हम बाद में आपके लिए एक मिनट के बाद हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्होंने जो कुछ मांगा है इनको दिया जाए, आप कृपया हाथ बढ़ाकर उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। आपको अगर आवास की घर की जरूरत है तो आप प्रभु यीशु से मांगिए, आपकी जरूरत चंगाई है, बीमार हो तो आप चंगाई मांगे, आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, आप चाहते हो कि प्रभु यीशु आपके घर में शांति लाए, आप शांति मांगिए। अगर आपके भाई बहनों से बच्चों से आपका रिश्ता टूटा है, कोई गलत फहमी चल रही है आपके रिश्तों के बीच, आप कृपया प्रभु यीशु से कहिए कि वो आपके संबंधों को वो रिस्टोर करे, चंगा करे। और अंधे ने मांगा प्रभु मुझे आंखें चाहिए, प्रभु ने आंखें दी। लंगड़े ने कहा प्रभु मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, मेरे पाँव में ताकत चाहिए, प्रभु ने वो ही किया। जो कोई ने जो कुछ मांगा प्रभु ने वो ही किया। हम कुछ सेकंड आपको देते, आप जहां पर भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, आप प्लीज प्रार्थना कीजिए, आप अपनी जरूरतों को मांगिए। मैं कुछ सेकंड आपको देता हूँ, बाद में मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने जो मांगा है प्रभु आपको दे। कृपया अपनी जरूरतों को लेकर प्रार्थना कीजिए, खुद कहिए कि प्रभु यीशु मुझे इसकी जरूरत है, आंखें बंद करके मांगिए। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हम सब जितने प्रभु के दास हैं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। मेरे साथ ही जो प्रभु के दास है जुड़ेंगे, मैं आपकी अगुवाई करना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ भी है सबका मालिक है, जिन्होंने इस सृष्टि को सुंदर बनाया, जिन्होंने ऋतुएं बनाई, जिन्होंने समुद्र को बनाकर समुद्र में मछली और सारी चीजों को बनाया रखा, आज पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आकर यीशु मसीह के नाम में हम अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करते हैं। मैंने और हम सब ने पिता, यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जरूरतों को यीशु मसीह आपके चरणों में लाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर मेरे और पिता प्रभु तेरे दास दासियों को, हम सब को, जितने लोग प्रभु आपके चरणों में आए हैं, उन्होंने आपसे आपको पुकारा है, अपनी जरूरतों के विषय में आपसे दुआ की है, प्रार्थना की है, हम सब के लिए, मेरे माँ बाप भाई बहन और परिवार के सदस्यों के लिए हम पश्चाताप करते हुए हम स्वीकार करते हैं, हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, हमने अपराध किए हैं, हमने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है। यीशु मसीह के लहू में हमें धोकर शुद्ध करे पिता। हमने जो भी अपराध किए, आप पर अगर हमने पूरा भरोसा नहीं किया, आप पर आपके वचनों पर भरोसा नहीं किया, हमें प्रभु यीशु में क्षमा कीजिए प्रभु। अगर हमेशा प्रभु आपकी आशीष लेने के लिए आपके पास आते, लेकिन आपका धन्यवाद करना हम अगर भूल गए हैं, हम यीशु मसीह के नाम में माफी मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को आप क्षमा करें, हम विनती करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं सारे प्यारे लोगों के लिए पिता, इन्होंने आपके पास आकर आप पर भरोसा करते हुए आपसे विनती की है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसकी सामर्थ्य इनके शरीरों से, हम सबके शरीर से बहने दो पिता, आपके आपकी दया और अनुग्रह से प्रभु ये होने दो। आज इसी वक्त प्रभु अगर किसी को, किसी के शरीर में बीमारियां है, यीशु नाजरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
हम सारी बीमारियों को डांट कर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर इनके घर से सारी बीमारियां दूर हो जाए। अगर कोई भी श्रापित ऐसी बीमारियां है यीशु नाजरी के नाम से हम कहते हैं इनके ऊपर कोई भी श्रापित बीमारी काम न करे। सारी श्रापित बीमारियों को हम निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता इनके जो आशीषों की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को घर की जरूरत है, व्हीकल की जरूरत है, प्रभु आज यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं खुदावंत परमेश्वर इनकी जरूरतों को यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु पूरा कीजिए। उनको जो भी जरूरत है आप उनको पिता उनको दीजिए प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनकी पूर्ति आपके नाम में हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए, हम प्रार्थना करते हैं आशीषों के द्वार, नई नौकरी के द्वार, अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के द्वार यीशु मसीह के नाम से खोल जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता जितने भी लोगों ने दुआ किए मांगा है यीशु मसीह के नाम में खुदावंत परमेश्वर इनको दिया जाए, इनको चंगाई दी जाए। यशाया 53:4-5 आयत के अनुसार प्रभु यीशु ने जो कोड़े खाने से जो चंगाई हमें दी है वो चंगाई हमारे शरीरों में हम अभी इसी वक्त विश्वास से क्लेम करते हैं और इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम में इनको और हम सबको चंगा घोषित करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता इनकी जरूरत जो भी हो चाहे हम जान पाए ना जान पाए, पिता आपने इनके आवाजों को सुना है, इनकी सारी जरूरत यहोवा यीरे आप यीशु के नाम में उनकी पूर्ति कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह का लहू हम सब पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर, हमारे घर चौखटों के ऊपर, हमारे सारे व्हीकल और जो भी आशीष आपने हमें दिए सब पर यीशु का लहू हम छिड़क देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी समस्या में अगर कोई व्यक्ति है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, पिता अगर इनका कोई फोल्ड है प्रभु, इन्होंने कोई गलती की है, यीशु मसीह आप इनकी आंखें खोले ताकि वो अपने अपने गलतियों को और अपने पापों को स्वीकार कर सके। और पिता मेरी प्रार्थना है पश्चाताप का हृदय उन्हें दीजिए प्रभु, ताकि अपनी गलती और पापों के लिए वो पश्चाताप करें। और खुदावंत परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके कोर्ट केस और इनके पुलिस केस जो भी है इन पर है वो यीशु के नाम में दूर किया जाए प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता अगर किसी की चीज है उन्होंने गवाही है, किसी ने लूट ली है, किसी ने इनसे छीन ली है कोई चीजें, इनकी खेत, उनके उनकी भेड़ बकरियां, उनका घर, जो भी उनका हक था वो छीन लिया है, तो हम यीशु मसीह के नाम से हम शैतान को डांट कर कहते हैं शैतान अगर तूने कोई भी चीज उनकी नौकरी उनका विवाहित जन कुछ भी चोरी किया है यीशु नाजरी के नाम से हम तुझे कहते हैं शैतान तू इनकी सारी आशीषों को लौटा दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं आप में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें और आपके करीब आने के लिए सहायता करें पिता। सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दीजिए और जब महामारी का समय है प्रभु हम सबको पिता साम 91 का प्रोटेक्शन हम पर हम घोषित करते हैं, हमारे प्रियजनों पर घोषित करते हैं, हमें सुरक्षित रखे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए प्रभु आप द्वार खोल दे प्रभु, उनकी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करे प्रभु और अच्छी नौकरी और अच्छा बिजनेस हमें दे पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, सुने और कबूल करे पिता। आमीन।